नमस्कार, देश प्रदेश उत्तर प्रदेश के बुलेटिन में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ वर्षा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ रूस और यूक्रेन युद्ध के बीच प्रदेश में वापस लौटे 50 छात्रों से आज मुलाकात करेंगे। यूक्रेन में हजारों की संख्या में देशवासी फंस गए थे और इसमें प्रदेश के लोग भी शामिल थे। और वहीं यूक्रेन में मेडिकल की पढ़ाई के साथ ही अन्य कोर्स करने वाले करीब 550 छात्र प्रदेश में वापस लौट आए हैं। इसमें से 50 छात्रों से सीएम योगी आज मुलाकात करेंगे और वहां के हालात के बारे में जानकारी लेंगे। आपको बता दें कि असल में रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध जारी है और भारत सरकार वहां फंसे लोगों को निकाल रही है। भारत सरकार का दावा है कि जब तक वहां पर एक भी भारतीय रहेगा, ऑपरेशन जारी रहेगा। तो यूक्रेन से लौटे 50 छात्रों से आज सीएम योगी आदित्यनाथ मुलाकात करेंगे और अभी जो यूक्रेन में भारतीय फंसे हुए हैं उनके बारे में भी जानकारी लेंगे। वहां पर किस तरह के हालात हैं इसके बारे में भी जानकारी लेंगे। साथ ही साथ उन बच्चों से संवाद करेंगे। तो आज एक संदेश देने की कोशिश सीएम योगी आदित्यनाथ करने जा रहे हैं। आज 50 बच्चों से मुलाकात करेंगे और ये संदेश कि भारत हमेशा बच्चों के साथ खड़ा है और जल्द से जल्द यूक्रेन से सभी भारतीयों को निकाल लिया जाएगा। और ज्यादा जानकारी के लिए संवाददाता प्रशांत राव इस वक्त हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। प्रशांत, आज 50 छात्रों से बातचीत करने वाले हैं सीएम योगी आदित्यनाथ, लेकिन अगर बात पूरे उत्तर प्रदेश की जाए तो आखिर कितने छात्र हैं जो अभी फिलहाल यूक्रेन में फंसे हैं? साथ में ये भी बताइएगा कि अभी तक कितने वापस आ चुके हैं सकुशल? जी वर्षा, बिल्कुल। देखिए, हम लोग इसमें जो स्वराज एक्सप्रेस की टीम है वो मुख्यमंत्री आवास पर है, जहां करीब उत्तर प्रदेश के 50 छात्रों को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बुलाया है और उनसे मुलाकात कर रहे हैं, क्योंकि जिस तरीके से यूक्रेन में रूस ने हमला किया है उसके बाद वहां पर जो पढ़ाई कर रहे छात्र थे वो फंसे हुए थे, उन्होंने मदद की गुहार लगाई थी, जिसको लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जब वहां जिस दिन पहले दिन ही जिसमें रूस ने यूक्रेन पर आक्रमण किया था, हमला किया था, उसी दिन यहाँ पर दूसरे दिन ही हेल्पलाइन जारी कर दी गई थी और उसके साथ ही सभी जिलाधिकारियों को अपने अपने जनपदों से डेटा मंगवाया गया था कितने छात्र भारत के यानी कि उत्तर प्रदेश के यूक्रेन में फंसे हुए हैं, उसकी जानकारी मांगी गई थी और उसके बाद विदेश मंत्रालय को यह डाटा भेज दिया गया था। 550 से ज्यादा छात्रों को उत्तर प्रदेश सरकार वहां से निकाल कर लाई है केंद्र सरकार की मदद से। वही जो अनुभव है वो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज वहां के स्टूडेंट जो वापस आए उनसे साझा कर रहे हैं, उसके साथ ही जो वहां हालात है उस पर भी विषय पर चर्चा करेंगे और साथ ही जो पढ़ाई वहां रही है उस पर भी विषय पर चर्चा बनी हुई, क्योंकि अभी हाल में ही जिस तरीके से विपक्ष लगातार केंद्र की सरकार पर और राज्य सरकार पर हमलावर थी, क्योंकि उत्तर प्रदेश में इसमें जो चुनाव चल रहे हैं विधानसभा उसको लेकर विपक्ष हमला बोल रहा था कि जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वाराणसी में थे तो प्रियंका गांधी ने निशाना साधा था, उधर अखिलेश यादव ने निशाना साधा था कि मुख्यमंत्री को और प्रधानमंत्री को जरूरत यूक्रेन में फंसे छात्रों की है, लेकिन वो रोड शो में और जनसभाओं में अपनी व्यस्तता दिखा रहे हैं। तो इन सब मुद्दों को लेकर बड़ी गंभीरता से लिया मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने, जो फंसे हुए छात्र थे उनको बाहर लाया। आप पीछे हमारे देख सकते हैं कि मुख्यमंत्री आवास है, अंदर जो छात्र हैं उनसे वो अनुभव साझा कर रहे हैं, उनकी जानकारी ले रहे हैं और इसके साथ ही कि प्रशासनिक स्तर पर उनकी कैसे मदद की गई, उनसे संपर्क साधा गया है, उससे क्या संतुष्टि है, कहां कौन सी खामियां रह गई थी जिसको पूरा किया सरकार ने, यह सब अनुभव साझा कर रहे हैं। क्योंकि यूक्रेन में जिस तरीके से हालात है अभी तमाम लोग वहां फंसे हुए हैं और इसके साथ ही यह भी उन छात्रों से जानकारी ली जा रही है कि कौन से ऐसे प्रदेश के वासी हैं, भले ही वो छात्र ना हो, वहाँ किसी व्यवसाय या किसी काम से वहाँ रह रहे हो, वो फंसे हुए हैं, अगर उनको वो जानकारी है तो वो नोट कराई जाए, साथ ही कोई अन्य स्टूडेंट हो जिसकी जानकारी उन छात्रों को हो वो भी नोट कराई जाए, ताकि उत्तर प्रदेश सरकार विदेश मंत्रालय को भेजकर उन फंसे हुए यूक्रेन में फंसे हुए भारतवासियों को, उत्तर प्रदेश वासियों को वहां से वापस लाया जा सके। इन सब मुद्दों को लेकर मुख्यमंत्री आवास में छात्रों से अनुभव साझा हो रहे हैं, जानकारी ली जा रही है। जी वर्षा, बिल्कुल। लेकिन प्रशांत, अभी क्योंकि आप मुख्यमंत्री आवास के पास ही मौजूद हैं, सामने ही हैं, मैं चाहूंगी तस्वीरों के माध्यम से जरा उसका दृश्य दिखाएं कि मुख्यमंत्री आवास के पास कितनी हलचल है। साथ ही साथ ये भी बताएं कि देखिए आप हमारे पीछे देखिए कुछ गाड़ियां निकल रही हैं, हमारे पीछे देख सकते हैं कि तमाम जो गाड़ियां निकल रही हैं। जी वर्षा, मैं आपको दिखा रहा हूँ कि पीछे हमारे कुछ गाड़ियां निकली हैं, यानी कि कुछ छात्र अभी निकल रहे हैं, कुछ अधिकारी यहाँ से निकल रहे हैं जो छात्रों को लेकर आए थे, क्योंकि हर जनपद से ज्यादातर छात्रों को बुलवाया गया है कुछ एक जगह से, तो वहां से उनकी पूरी व्यवस्था की गई है कि उत्तर प्रदेश तक यानी कि लखनऊ उनको लाया जाए, मुख्यमंत्री आवास पर लाया जा सके, तो वो सब प्रशासन की ओर से व्यवस्थाएं की गई थी और उनको मिलवाया जाए। इसके साथ सुरक्षित
उनको घर उनकी वापसी कराई जाए, तो तमाम मुद्दे हैं क्योंकि उत्तर प्रदेश में सरकार चल रहा है। तो ऐसे विपक्ष लगातार केंद्र सरकार को राज्य सरकार को घेरने का काम कर रही थी और मुख्यमंत्री ने ठीक चुनाव से एक दिन पहले ही जो स्टैंड लिया, 50 स्टूडेंट को बुलाकर यहाँ मुलाकात की, अनुभव साझा किए, तो ये एक पॉलिटिकल वे तो है, उसके साथ ही छात्रों में संतुष्टि और इसके साथ एक डेटा और जुटाने की कोशिश कर रही है सरकार की। अगर यूक्रेन में कोई राज्य का व्यक्ति अगर फंसा हुआ है, जो किसी व्यापार के लिए गया हो, किसी व्यवसाय के लिए या कोई काम कर रहे हो या कोई स्टूडेंट वहां फंसा हुआ है, तो उसकी जानकारी भी जुटाई जा सके और उनको भी सुरक्षित वहां से ऑपरेशन गंगा जो केंद्र सरकार की तरफ चल रहा उससे वो वापस वहां लाया जा सके। हालांकि जो 63 जो उड़ाने आई उसमें करीब 13,300 से ज्यादा लोग यहाँ पर अभी सुरक्षित पहुंचे हैं और भी लगातार जो वहां से लोगों को सुरक्षित निकालने की कोशिश की जा रही है। अन्य यूक्रेन के अन्य शहरों अन्य प्रांतों में जो लोग वहां पर हैं उनको निकालने के लिए और भी जो जानकारी है वो जुटाई जा रही है। जी वर्षा, बिल्कुल प्रशांत, आपसे ये भी जानना चाहेंगे क्योंकि अभी जो विद्यार्थी वापस आए हैं उत्तर प्रदेश, उसमें किस तरह से वो यूक्रेन से पहुंचे, क्या यूक्रेन बॉर्डर से पहुंचे हैं, किस तरह की पूरी व्यवस्थाएं रही थी, क्योंकि केंद्र सरकार इसमें पूरा सहयोग कर रही है लेकिन राज्य सरकार की तरफ से भी तमाम मदद और कोशिशें की जा रही है। ऐसे में उत्तर प्रदेश कैसे पहुंचे वो वहां तक, एक बार ये भी बताइएगा। वर्षा, एक चीज बता दूं कि जिस समय ये घटना सामने आई थी यूक्रेन पर रूस ने हमला कर दिया था, दूसरे ही दिन मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सक्रियता से काम किया और उत्तर प्रदेश में हेल्प डेस्क बनाई गई है, यहाँ कंट्रोल रूम बनाया गया, उसके बाद सभी जिलाधिकारी और कमिश्नर को साफ तौर से दिशा निर्देश दे दिए गए थे कि उनके उनके क्षेत्रों में जो भी छात्र या फिर राज्य के जो लोग वासी हैं वो यूक्रेन में फंसे हुए हैं उनका डेटा जुटाया जाए, उसके बाद वो डेटा सीधे यानी कि लखनऊ भेजा जाए सचिवालय, और वो जो डेटा आया वो विदेश मंत्रालय को भेजा गया, कुछ ऐसे लोग भी रहे जिनका डेटा लास्ट में भी भेजा गया है। तो ऐसे में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पूरी सक्रियता दिखाई थी, जिसके बाद जो लोग अभी उत्तर प्रदेश वापस आए हैं उनसे उनकी जो जानकारी जुटाई गई है किस तरीके से यूक्रेन के किन किन शहरों में या किन किन राज्यों में रह रहे थे, उसके बाद उत्तर प्रदेश की सरकार से कैसे उन्होंने संपर्क साधा, इसके साथ ही केंद्र की जो कहा जाए केंद्र सरकार ने कैसे संपर्क साधा और वहां पर यूक्रेन में इंडियन एम्बेसी का कहा जाए कि विदेश मंत्रालय का किस तरीके से वहां रुझान रहा है कि वहां कैसे संपर्क साधे गए, तमाम जो शिकायतें आई थी कि इंडियन एम्बेसी उनका फोन नहीं उठा रहे, रिसीव नहीं कर रहे, वो लोग मैसेज कर रहे हैं, जो तमाम शिकायतें आई, तो उसके बाद उत्तर प्रदेश सरकार ने बड़ी गंभीरता से केंद्र सरकार से वहां अपना संपर्क साधा था और जो डेटा था वो उपलब्ध कराया, उसके साथ ही जो स्टूडेंट वहां फंसे हुए थे या जो प्रदेशवासी वहां फंसे हुए थे उनके फोन नंबर पर संपर्क किया गया, लगातार कंट्रोल रूम से संपर्क करता रहा, वहां युद्ध के जो हालात चल रहे थे जहां बमबारी हो रही थी वहां भी उनसे पूछा जा रहा था, उसके बाद उनसे आग्रह किया जा रहा था कि इंडियन एम्बेसी से वो लगातार संपर्क में रहे, उसके बाद यूक्रेन के स्थानीय प्रशासन से भी संपर्क में रहे और सुरक्षित स्थानों पर जाएं, और वो जो लोकेशन थी वो उत्तर प्रदेश सरकार लगातार उनकी ट्रेस करती रही, वहीं विदेश मंत्रालय वहां उनके संपर्क में बना रहा। तो ये सब मुद्दे रहे जिसको लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की जो पहल रही, कंट्रोल रूम जो स्थापित किया, वो कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश के जो वासी रहे हैं, जो स्टूडेंट रहे हैं, उनकी जानमाल की सुरक्षा करने में उत्तर प्रदेश सरकार की जो भूमिका रही वो प्रशासन की भी अहम भूमिका है, जिसमें केवल एक छात्र को जो वहां गोली लगी थी उस पर भी लगातार वहां निगरानी बनी रही, उसकी भी स्वास्थ्य की चिंता वहां करती रही, यूक्रेन सरकार से लगातार उत्तर प्रदेश सरकार जो है केंद्र सरकार के माध्यम से वहां मांग करती रही कि उसके स्वास्थ्य की उत्तम व्यवस्था की जाए, किसी भी तरीके की कोई कैजुअलिटी ना हो। तो तमाम जो महत्वपूर्ण कदम उठाए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ वो सराहनीय रहे। और कल अब जो देखा जाए कि कल उत्तर प्रदेश में 7वें चरण का चुनाव है 9 जिलों की 54 सीटों पर, तो कहीं ना कहीं जो विपक्ष लगातार उत्तर प्रदेश की योगी सरकार पर हमला बोल रही थी, केंद्र की मोदी सरकार पर हमला बोल रही थी, उसका ये करारा जवाब आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने स्टूडेंटों से मिलकर दिया। जो विपक्ष ने सवाल उठाए थे कि वो चुनाव में सरकार चुनाव में बिजी है और भारतीयों पर ध्यान नहीं है, यूक्रेन में जो फंसे हैं उनकी चिंता नहीं है, तो ऐसे में तमाम ये आरोपों का जवाब देने की कोशिश आज सरकार की तरफ से की जा रही है। बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए प्रशांत। और वक्त एक छोटे